नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। फिरोजाबाद जिले के शुकोहाबाद डहनी बम्मा पुलिया के समीप उस समय अफरा तफरी मच गई जब धनपुरा CSC में तैनात दो स्कूटी सवार ANM महिलाओं को मैक्स लोडर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह दोनों घायल हो गई। घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। बताते चलें कि दोनों स्कूटी सवार ANM महिलाएं धनपुरा के CSC में तैनात थे, जो अपनी ड्यूटी समाप्त कर घर आ रही थीं। तभी वह डहनी बम्मा पुलिया के समीप पहुंची ही थीं कि पीछे से तेज गति से आ रही मैक्स लोडर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों महिलाएँ घायल हो गईं। कुछ ही देर में आसपास के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई, जिन्हें लोगों की सहायता से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो देखते रहिए C20 न्यूज। आज हमारे स्टाफ में जो ANM RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में कार्यरत हैं, ये दोनों महिलाएँ स्कूटी से ड्यूटी करने जाती हैं। धनपुरा से ड्यूटी करने के बाद ये अपने घर वापस आ रही हैं। डहनी की पुलिया है, बम्मा की पुलिया मार्ग से ये दोनों स्कूटी से आ रहे थे, तो पीछे से एक बेकाबू मैक्स गाड़ी जो होती है बहुत तेज स्पीड से आ रही थी। इन्होंने बचपन बिल्कुल अपने फुटपाथ की तरफ भी गाड़ी बढ़वा लिया अपने बाकी इसको चपेट में लेते हुए जल्दी एक्सीडेंट हो गया। दोनों लोगों को एक किसी अपरिचित व्यक्ति के द्वारा यहाँ अस्पताल लाया गया, स्कूटी पर बैठा के उसके बाद उनको यहाँ इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। यहाँ कोशिश की जा रही है, डॉक्टर साहब को बोला गया है इनका पहले मेडिकल रिजल कराना है, और ऐसा देखने से साबित हो रहा है कि दोनों के थाई फ्रैक्चर भी हो सकता है जांघ की हड्डी में, ट्रॉमा बहुत ज़्यादा है, घूम चोट ज़्यादा लगी है, चट बहुत हो गई है, ब्लीडिंग हो रही है। अब देखते हैं डॉक्टर साहब टांगे लगाते हैं या अल्ट्रासाउंड करते हैं, जो भी आगे प्रोसेस FIR का है FIR करना पड़ेगा। गाड़ी वाली बेकाबू थी, शायद नशे में भी चला रहा हो ऐसा लग रहा है। कहने वालों का कहना ये है कि ड्राइवर नशे में भी हो सके। ठीक।